बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ ताहिर मकसूद छीना, रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से, और मेरे साथ हैं अब्दुल लतीफ। रिपब्लिक पॉलिसी .com ने आने वाले इलेक्शन के सिलसिला में पिछले माह यानी नवंबर में एक सर्वे करवाया। रिपब्लिक पॉलिसी ने ये नया एक ट्रेंड मुतारफ करवाया है कि जो यूनियन काउंसिल के लेवल पे जाके लोगों की राय जो है इलेक्शन के सिलसिला में वोटरों से राय ली जाती है, इससे ज़्यादा वाज़े सूरत जो है शक्ल निकल आती है। ये जो सर्वे है ये हतमी इसलिए नहीं हम कह सकते कि अभी तक पार्टियों ने अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं किए। जैसे ही कैंडिडेट फाइनल होंगे और कंपेन शुरू हो जाएगी तो हम जो हमारी टीमें चूँकि मौजूद हैं तो हम बेहतर अंदाज में बता सकेंगे कि कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी को मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। रिपब्लिक पॉलिसी जो है ये एक कंसल्टेंसी फर्म भी है जो कैंडिडेट को इलेक्शन कैंपेन जो है वो डिज़ाइन करके दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अब दूसरे लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ है और बेहतर है। इससे पहले जो प्रोग्राम किए गए हैं उनका बड़ा अच्छा फीडबैक आया है, तो मेरी गुजारिश होगी कि आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। आज जो है डिस्ट्रिक्ट वो हम डिस्कस करेंगे मियाँ वाली, कि मियाँ वाली की क्या सूरत हाल है ये हम जानते हैं मलिक साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शेख साहब शुक्रिया। तो मियाँ वाली ज़िला जो है आज हम हल्का जाती सियासत में उसका उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मियाँ वाली जो है वहाँ पे कौमी असम्बली की दो नशिस्तें हैं जो 2018 के इलेक्शन में भी दो ही थी और अब भी वहाँ पे दो ही नशिस्तें हैं। और 2018 के जो और 2017 की जो डिलिमिटेशन थी उसके मुताबिक उनका नंबर मियाँ वाली 1 का जो था वो NA 95 था, अब जो वो कम होकर NA 89 है। और ये NA 95 मियाँ वाली 1 जो है ये तहसील ईसा खेल, दाऊद खेल, मूसा खेल और कालाबाग के इलाका जात पर मुश्तमिल है। और अगर जब हम बिरादरियाँ के देखते हैं कि वहाँ पे कौन लोग ज़्यादातर रहायश पदीर हैं तो वहाँ पे न्याजी, अवान और खटक कबीले के लोग यहाँ पे रहायश पदीर हैं और उनके वोटर से ही जो नतीजा है उस पर असरअंदाज होता असर होता है। अब आते हैं हम 2018 के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो, तो इस हलके से 2018 में PTI के चेयरमैन इमरान अहमद न्याजी साहब 1,65,500 से ज़ायद वोट हासिल करके MLA मुंतखब हुए थे और रनर अप में अबैदुल्ला शादी खेल 50,200 से ज़ायद वोट उन्होंने हासिल किए थे। ये वो वाली सीट है जहाँ पे जहाँ से चेयरमैन PTI मुंतखब हुए थे और आखिर वक्त तक मुंतखब तो वो और बाकी सीटों से भी हुए थे, लेकिन ये सीट उन्होंने आखिर वक्त तक रिटेन रखी थी और वो बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उन्होंने हुकूमत की सरबराही की। अब आते हैं मियाँ वाली 2। इसको 2018 के इलेक्शन में 2017 की डिलिमिटेशन में इसका नंबर था 96, अब जो कम हो के 90 बन चुका है NA 90। ये तहसील पिपला, मियाँ वाली शहर और हरनोली के इलाका जात पर मुश्तमिल है। और जब आते हैं कि वहाँ पे जो ज़्यादातर आबादियाँ बिरादरियाँ रहायश पदीर हैं तो उनमें न्याजी है, अवान है, भच्चर है, बलोच है और कुछ यहाँ पे महाजरीन भी रहायश पदीर हैं। अब आते हैं 2018 के इलेक्शन के जो नतायज हैं तो यहाँ से अमजद अली खान साहब PTI के प्लेटफॉर्म से 1,59,000 से ज़ायद वोट लेकर MLA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में हुमैर हयात रोखड़ी 5,506 वोट हासिल कर सके थे। तो ये तो उसका एक जुग्राफियाई और बिरादरियों का और 2018 के जो इलेक्शन के नतीजे थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। अब आते हैं यहाँ पे
जो रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे करवाया, तो ये सर्वे जो पीटीआई की जो 3.5 साल तकरीबन जो दौर इकतदार है, और उसके बाद जो एक पीडीएम की तरफ से गवर्नमेंट 16-17 मारी शहबाज शरीफ साहब जिसमें वजीर आजम थे, तो इन दोनों की कारकर्दगी और उससे लोगों को कितने मसाइल थे उसको मद्देनजर रख के तो एक सर्वे हुआ और पॉपुलर वोट जो है उसका हमने कह लें कि यहां से जो हासिल किए नतीजे सर्वे रिजल्ट्स। और पॉपुलर वोट में हम ये पहले भी पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि इसके लिए रिपब्लिक पॉलिसी ने फोकस किया कि 18 बरस से लेके 35 बरस तक के जो वोटर हैं, जो कि ओवरऑल जो पंजाब के वोटर्स हैं उसका ये 44% बनता है, तो ये उनको फोकस किया गया जिनमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग वीमन है, वर्किंग क्लास के लोग हैं, और ये दुकानदार हजरात, ट्रेडर्स हजरात, इन सबको हमने इंटरेक्ट किया, वर्चुअली भी किया, ऑनलाइन भी किया, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के विजिट भी किए, तो उसको जब सामने रखते हैं तो यहां पे जो पॉपुलर वोट है मियांवाली में वो है 70% और ट्रेडिशनल वोट है यहां पे 30%। अब जब ब्रेकअप में आते हैं कि पॉपुलर वोट से कौन कौन सी जमात कितने कितने परसेंट वोट जो वहां के पॉपुलर वोट अपनी वाबस्ती जाहिर कर रहे हैं, तो पीटीआई के साथ जो पॉपुलर वोट में से लोग हैं वो 76% अपनी वाबस्ती जाहिर कर रहे हैं, पीएमएलएन के साथ 12% और इसी तरह 12% ही अदर्स में है। तो अदर्स में टीएलपी और बाकी जो जमाते हैं उनके कह लें वाबस्ती शामिल है, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो यहां से मियांवाली से वो पॉपुलर वोट में से वो पीटीआई के साथ अपनी वाबस्ती जाहिर कर रहे हैं। देखा मियांवाली के बारे में तो सर बहुत ज्यादा को डिस्कशन किया, ऐसा जरूरत नहीं है कि पीटीआई की जब सिर्फ एक सीट थी नेशनल असेंबली में तो वो भी मियांवाली से जीते थे इमरान खान साहब 2002 में, लेकिन मलिक साहब अब इमरान खान साहब आज इस वक्त तक इलेक्शन में मौजूद नहीं है, उनको सजा हो चुकी है और वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, तो उनकी अदम मौजूदगी में क्या कोई ऐसा वहाँ पे कैंडिडेट हो सकता है जो लीडर हो सकता है जो ऐसे ही स्वीप कर जाए? क्योंकि पिछले अगर हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो 1 लाख वोट से जायद की लीड है वहाँ पे हर दोनों जो है हल्के उनमें, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पीटी के पास अब इस वक्त ऐसा कोई कैंडिडेट मौजूद है? जी जैसा आपने दोस्त फरमाया, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ नाजरीन के सामने भी और आपसे भी, तो जिस केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी तो वो तो सस्पेंड हो चुका है, वो सज़ा पनिशमेंट तो सस्पेंड हो गई हुई है, उस जब सस्पेंड हो जाए तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता जो उनकी डिसक्वालिफिकेशन है उसका केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है कि आया उसको हाई कोर्ट सस्पेंड करती है या नहीं करती, अगर सस्पेंड हो जाती है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पंजाब के हम मुख्तलिफ अजला पे ये प्रोग्राम किए हैं, पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट को भी देखा है, तो मियांवाली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पीटीआई का पॉपुलर वोट इतना है कि वहां पे वो जिसको भी नामजद करेंगे वो पॉपुलर वोट को लेकर वो मुंतखब हो सकता है। और जो कह लें कि लोगों की जो तासुरात है, मेरी कोई जाती राय तो नहीं है, मैं तो सर्वे ये लोगों के जो तासुरात हैं, लोगों से जो मालूमात हासिल की गई हैं उस के बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं, तो बेशक इमरान खान साहब को इलेक्शन कंटेस्ट वो करते हैं या नहीं करते, या जो भी उनका नुमाइंदा यहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, तो जो इस वक्त तक के रिजल्ट सामने हैं वो बिल्कुल साफ जीतता हुआ नजर आता है। ये जितने अजला पे हमने प्रोग्राम किए हैं उनके डिटेल्स दी है, तो ये पहला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पॉपुलर वोट्स की जो परसेंटेज है और जो वहां के लोगों के जो तासुरात हैं उनको सामने रखें, तो यहां से पीटीआई के अलावा
किसी और सियासी जमात के लिए सीट निकालना, एमएनए जीतना, वो अभी तक तो नामुमकिन नजर आता है। कल को कोई हालात चेंज हो या कुछ ऐसी बात होती है जब पार्टियां अपने उम्मीदवार नामजद करेंगे तो फिर उस पर हम तजिया पेश कर देंगे। जी नाज़रीन इकराम, पूरे पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज़ायद लोग वोटर हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को इलेक्शन में वोट डालने के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकलना होगा। अगर आप ये तादाद जो है इसकी परसेंटेज को 60+ कर देते हैं, अब दुनिया में ज़्यादा ज़्यादा भी ऐसे ज़्यादा है, तो आप अपने बेहतर अंदाज में नुमाइंदे भी चुन सकेंगे और वो नुमाइंदे जो हैं कल के कवानी बनाने में, कानून साजी में बेहतर अंदाज में अपना जो हिस्सा है वो डाल सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा।